आज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आगे जाकर के ना एक अलग ही ब्रांच बन जाता है फिजिक्स में, और आपको अभी इसका जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ढंग से समझना है। और आज के क्लास में मेरे तरफ से ऐसा है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको रटना पड़ेगा या आपको अलग से उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़े। बस आज क्लास ढंग से अटेंड कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी नया नहीं होगा। बस जो चीजें होगी हम केवल और केवल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है इसमें। और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन सा आप लोग को याद भी होगा, मैंने बहुत बार पहले भी बोला था आपको कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड देन इट ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आखिरकार हम किसी छड़ चुंबक को जब स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ में ही क्यों लटकता है, वो कभी ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं होता? तो इसका रीजन आप लोग जानते होंगे कि ये होता है ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग इस अर्थ मैग्नेटिज्म को बिल्कुल क्लियर करके समझने वाले हैं। और अर्थ मैग्नेटिज्म जो है उसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, उसमें जियो मैग्नेटिज्म भी कहलाता है या फिर ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कहलाता है। तो इन सब वर्ड्स का मतलब समझना बहुत जगह आपको डेफिनेशन लिखने में हेल्प करेगा कि जहां कहीं भी जियो लिखा रहे, जे आई ओ वाला जियो नहीं, जे जी ई ओ वाला जियो, तो जहां कहीं भी जियो लिखा रहे ये वाला, इसका मतलब होता है रिलेटेड विद अर्थ। मतलब जहां कहीं भी जियो देखिएगा जी ई ओ, तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ। तो अगर हम जियो मैग्नेटिज्म कह रहे हैं तो इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म होगा। या जहां कहीं भी आपको टेरेस्ट्रियल दिखा हुआ मिले, टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल भी जो है ये भी अर्थ से ही रिलेटेड होता है। मतलब जो अर्थ से रिलेटेड टर्म हो उसको हम जियो या टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो हम इसको अर्थ मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म कह ले या जियो मैग्नेटिज्म कह ले या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कह ले, ये सब सेम है। और आज हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कुछ बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जरा कुछ लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेट आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको है कि पृथ्वी के जो चुंबकत्व होता है, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है, इसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं जियो मैग्नेटिज्म। ये आपको ध्यान रखना है कि वैसा ब्रांच फिजिक्स का, वो ब्रांच जिसमें हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म का स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिज्म। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान क्या रखना है कि अर्थ सरफेस पर अगर हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को देखें तो ये होता है 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। मीन्स अप्रोक्सीमेटली आप 10⁻⁵ टेस्ला कह सकते हो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को 10⁻⁵ टेस्ला के अबाउट लिया जाता है। उसके बाद देखो और भी एक बात ध्यान रखना है इसमें कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है या अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम ये चेंज होने वाला होता है, कि मतलब टाइम के साथ भी ये चेंज होता है। और प्लेस पर कि अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं या इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ मिलता है। लेकिन अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखे इसका, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास होता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग को मेन जो पढ़ना है वो है मेन टॉपिक सोर्स और काउज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या सोर्स और काउज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आखिर अर्थ के मैग्नेटिज्म का काउज क्या है। तो एकदम शुरू से हम कहानी आपको सुनाते हैं। यह स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1600 में, विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यह डिस्कवर किया था या ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे अर्थ के इनसाइड एक बहुत ही विशाल बार मैग्नेट बरीड है, दबा हुआ है अंदर में, और उसी के कारण अर्थ का मैग्नेटिज्म है। मतलब एक बहुत विशाल छड़ चुंबक अंदर में प्रेजेंट है हमारे अर्थ के नीचे, और वही काउज है हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का या अर्थ के मैग्नेटिज्म का। कुछ टाइम के बाद जब रिसर्च और हुआ तो अंदर के बारे में जब पता किया गया तो अंदर देखा गया कि कुछ है ही नहीं, कोई वैसा बड़ा सा ह्यूज मार मैग्नेट जैसा कुछ है ही नहीं अंदर। तो फिर इस चीज को और इंप्रूव किया गया और बताया गया कि हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट है वो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का काउज है। मतलब जो आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, ये हमारे अर्थ पर प्रेजेंट मैग्नेटिक मटेरियल, हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट मैग्नेटिक मटेरियल। तो एक बार को ये कहा गया कि हमारे अर्थ
के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वही हमारे अर्थ का मैग्नेटिज्म का काउज है। बाद में जब और रिसर्च हुआ तो पता चला कि हमारे अर्थ के अंदर उतना ज्यादा अमाउंट में ये मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है जो कि हमारे अर्थ का जितना मैग्नेटिक फील्ड है, जितना मैग्नेटिज्म है उसको फुलफिल कर सके। मतलब जितना अर्थ का मैग्नेटिज्म है उतना के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल हमारे अर्थ में है ही नहीं मैग्नेटिक वाला। तो एक तो पहले ये फ्लॉप किया, दूसरी बात ये बोला गया कि चूंकि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हाई टेम्परेचर पर किसी हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो उसका वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देता है, खत्म हो जाता है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो एक तो पहले सफिशियंट अमाउंट में मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, ऊपर से वो जब अर्थ के अंदर है तो हाई टेम्परेचर पर है जिससे कि वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर भी लूज कर देता है। तो ये तो किसी भी हाल में अर्थ के मैग्नेटिज्म का काउज नहीं हो सकता है। मतलब पहला थ्योरी भी फिल कि बड़ा वाला एक बार मैग्नेट अंदर हमारे अर्थ के है, नहीं है। दूसरा बताया गया कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो भी हम लोगों ने क्या समझा कि इतना अमाउंट में जो रिक्वायर्ड सफिशियंट अमाउंट है उतना है नहीं है, और दूसरा इतना हाई टेम्परेचर पे है कि इसका बेचारे का मैग्नेटिज्म अपने आप नहीं संभल पा रहा है, ये अपने मैग्नेटिज्म को भी लूज कर दे रहा है। तो ये तो काउज नहीं हो सकता हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म का। और हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म एक्चुअली है, ये नहीं कि ये वर्चुअली मान रहे हैं कि हमारे अर्थ में मैग्नेटिज्म रियल में है, लेकिन हमारे अर्थ में मैग्नेटिज्म किस कारण से है इसी चीज को हम डिस्कवर कर रहे थे। और जो सबसे फर्स्ट थ्योरी दिया गया वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ, उसको मतलब लगभग लगभग नहीं माना गया। उसके बाद एक सेकेंड थ्योरी दिया गया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि बताया गया कि अवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सन, हमारा पृथ्वी जो है वो सन का एक पार्ट है, और चूंकि सन में मैग्नेटिज्म है तो अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है। लेकिन सन के मैग्नेटिज्म पर आज भी रिसर्च चल रहा है, उसके रियल काउज को हम लोग पता नहीं कर पाए। तो बताओ वो भी हमारे लिए ये हो गया, अननोन हो गया हमारे लिए, वो सैटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ। मतलब हम ये कह दे कि अर्थ में इसलिए मैग्नेटिज्म है क्योंकि सन में मैग्नेटिज्म है, तो आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आया कि सन में मैग्नेटिज्म क्यों है, और उस चीज पे का अभी तक जो है रिसर्च चल ही रहा है, क्यों है, क्या है, कितना है, कैसा है, इन सब चीजों पर चल ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सेकंड थ्योरी भी जो दिया गया कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द मैग्नेटिज्म ऑफ सन, दिस इज नॉट अ वेरी ट्रू थ्योरी और नॉट अ सैटिस्फैक्ट्री थ्योरी, तो ये भी फ्लॉप किया। अब उसके बाद बताया गया जो कि एक बहुत अच्छा था, वो ये बताया गया कि हमारे अर्थ के अराउंड इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस जो है वो भरे हुए हैं, और चूंकि अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पर भी, सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस कारण से इसमें मोशन है, जो हमारा अर्थ है वो खुद मोशन में है, तो इसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो भी मोशन में है, और जो वो मोशन में है उसमें जो चार्जेस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन हो गया, आयंस हो गया, वो सब मोशन में है। तो मोशन में होने के कारण वो करंट सेटअप करते हैं, एक सर्कुलेटिंग करंट को सेटअप करते हैं, एंड दिस इज द काउज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये वाला बहुत हद तक सही लगता है, क्या जो बोल रहे हैं ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? चलिए तो फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं, हम ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिए कि एक बार में हम ना याद ही करके निकले क्लास से, इसको लिए इसके लिए आपको अलग से रिवीजन करने, अलग से नोट पर रटने वाला टाइम नहीं देना पड़ना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स गए हैं, किरचॉफ लॉ हो गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है गॉस थ्योरम हो गया, तो इन सब पे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इन सब पे आप एक्स्ट्रा रिवीजन करिए, और ये जो अभी लेक्चर टाइप का हम दे रहे हैं इसको एकदम कोशिश करिए कि एक बार में याद करके निकले क्लास से। ध्यान देना मेरी बात पे, फर्स्ट ये बताया गया कि मतलब जो मान्य होगा, जो एक्सेप्टेबल होगा वो ये कि हमारे अर्थ के अराउंड इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि अर्थ मोशन में है, रोटेट कर रहा है, इसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी रोटेट कर रहा है, और इस वजह से वो मोशन में होने के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस या आयंस जो भी हैं वो मोशन में होने के कारण सर्कुलेटिंग करंट सेटअप करते हैं, और वो सर्कुलेटिंग करंट अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण हो सकता है। नॉट श्योर बट वेरी ट्रू हम कह सकते हैं, ये वेरी क्लोज कह सकते हैं हम ये, कि बिल्कुल यही कारण है, ऐसा नहीं बोला गया कि ये कारण हो सकता है, बात एक्सेप्टेबल है ये वाला। सेकंड बात समझना है इसका, सेकंड वाला भी काफी अच्छा रहे कि इसमें बताया कि अवर अर्थ हैज मोल्टेड फ्लूइड्स, चार्ज मोल्टेड फ्लूइड्स इनसाइड अर्थ। आप पढ़े होंगे लावा होता है, जहां ज्वालामुखी फटता है तो वहां लावा निकलता है, तो जो लावा होता है
वो हाईली चार्ज्ड होता है और हमारे अर्थ के अंदर है वो, प्रेजेंट है वो, और वो चूंकि अर्थ के रोटेशन के कारण वो भी मोशन में है, तो वो हाईली चार्ज जो ये मोल्टेड फ्लूइड है वो मोशन में है, और इस कारण से वो एक करंट को सेटअप करता है, सर्कुलेटिंग करंट को सेटअप करता है, एंड दिस मे बी द काउज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ये पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण हो सकता है। ये वाला बात भी काफी हद तक सही लगती है, क्योंकि एक्चुअल में है वो मोल्टेड फ्लूइड जो हाईली चार्ज है वो हमारे अर्थ के अंदर है, और अर्थ का रोटेशन तो हम लोग जान ही रहे हैं, तो इसके वजह से वहां भी एक सर्कुलेटिंग करंट सेटअप हो सकता है, और वो करंट हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म का काउज हो सकता है। बिल्कुल ठीक ठाक लगता है ये भी, और ये भी जो है बात समझ में आती है। तीसरा एक और बात बोला गया जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें बोला गया कि अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस है, वो सब मॉलिक्यूल्स का बना हुआ, मॉलिक्यूल्स एटम्स का बना हुआ, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों पार्टिकल्स होते हैं बेसिक, जिसमें न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसको इग्नोर करो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले, चूंकि पूरा अर्थ ही रोटेट कर रहा है तो इस पर के सारी चीजें रोटेट कर रही है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है जिससे हम बने हैं, आप बने हैं, बाकी सारे सामान बने हुए हैं, वो सब मोशन में है, और ये मोशन में होने के कारण एक सर्कुलेटिंग करंट को सेटअप कर रहे हैं, और यही करंट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिज्म का काउज हो सकता है। तो ये जो करंट वाला तीन थ्योरी बताए ना, ये वाला काफी हद तक सही लगता है, और इसके पहले जो दो बताए कि मटेरियल वाला, मैग्नेटिक वाला, और एक सन का पार्ट होने की वजह से, वो वाला ना उतना अच्छा नहीं लगता, उतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर हम लोग को नहीं लगता है। बट यहां भी देख लो कि जो तीनों दिया गया है जो कि हम लोग को सेटिस्फैक्ट्री लगता है, वो भी श्योर नहीं बोला गया कि यही कारण है, वो बोला ये हो सकता है। तो मोर और लेस हम लोग ये बात समझ सकते हैं, मान सकते हैं ऐसा कि द काउज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज सर्कुलेटिंग करंट ऑन अर्थ ड्यू टू एनी रीजन, इन तीनों में से जो भी रीजन हो, वो चाहे तो तीनों हो सकता है या फिर कोई एक भी हो सकता है इसका, लेकिन क्या कुछ भी है तो अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो हर हाल में सर्कुलेटिंग करंट के कारण ही है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। बताओ सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आपसे क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, आपको आंसर देना होगा उसमें कि व्हाट इज द काउज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो बताओ अब इजीली लिखा जाएगा? यस सर, तीनों पॉइंट को लिखना नहीं, लिखना पांचों पॉइंट को सर, पांचों पॉइंट को लिखना है, लास्ट का कंक्लूजन लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट ये है। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ते हैं सर? चार्ज एट रेस्ट, तो ऐसे जो बता रहे हैं तो सारा मोशन में हो जाएगा सर चार्ज। बताइए कहां से कहां चले गए हम? अभी अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और वहां चले गए। एक बात पढ़े इससे पहले क्लास 11th में, जब हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो वहां बोल रहे थे, पढ़े मेरे से क्लास 11th? यस सर। तो कभी ये लेक्चर दिए थे, एब्सोल्यूट रेस्ट इज एन इमेजिनेशन ओनली, एक्चुअल में होता ही नहीं है रेस्ट नाम का कोई चीज, होता ही नहीं है। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसी चीज को, क्या कुछ बोल रहे हैं कोई? नो सर, नो सर। तो वहां बताए थे कि एब्सोल्यूट रेस्ट नाम का कोई चीज होता ही नहीं। असल में होता क्या है कि अगर हम जिस चीज को भी लेते हैं तो हम देख लो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी रोटेट कर रहा होता है, सारा सब चीजें रोटेट कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स की हर चीज ही रोटेट कर रही है। जब पूरे यूनिवर्स की हर चीज रोटेट ही कर रही है तो रेस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, यहां हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं, और हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग रिलेटिव रेस्ट को पढ़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे, जैसे एग्जांपल समझो कि मेरे सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है और हम यहाँ हैं, तो हम अभी यहाँ खड़े हुए हैं तो इस कैमरे के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं, और हम इधर उधर कर रहे हैं तो कैमरे के रेस्पेक्ट में हम मोशन में। लेकिन भैया दोनों तो अर्थ पे ही है ना, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में दोनों क्या हो गए? तो दोनों जो है रोटेट कर रहे हैं अर्थ पर के साथ ही हम लोग भी, तो फिर रेस्ट हुआ ही नहीं। तो वही बात यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ भी था कि जब हम छोटे छोटे चीजों के लिए पढ़ रहे थे कि हमने यहाँ पर एक बॉडी को रखा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और बॉडी जो है यही रखी हुई है अर्थ सरफेस पर, अभी अर्थ के मोशन पे हम गए ही नहीं, मतलब वेरी स्मॉल स्केल, तो बताओ ये रेस्ट में रखा हुआ है तो हो गया रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यही जो बॉडी है वो अर्थ पर मूव करना शुरू कर दिया
तो ये हो गया मोशन और ये फिर करंट को पढ़ना शुरू कर दिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं बहुत लार्ज स्केल पे कि जब पूरे अर्थ के ही मोशन को ले तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो कोई चीज रेस्ट में होता ही नहीं है, लेकिन अर्थ पर के दो ऑब्जेक्ट का तो कंपेरिजन कर ही सकते हैं ना। तो इसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था वो स्टैटिक कंडीशन ऑफ चार्ज पढ़ा गया था, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मोशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, और मोशन ऑफ चार्ज वो भी कैसा, तो पूरे अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण पढ़ रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ हम लोग करंट पढ़ रहे हैं। बताओ अब क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। है ना कि एक ही चीज है और यही तो फिजिक्स है, यही तो इसका कह सकते हैं कि ब्यूटी है फिजिक्स का, ब्यूटी कह लो या फिजिक्स का, यही मतलब सबसे बढ़िया चीज है कि जब आप पढ़ना शुरू करो ना तो एक ही चीज में आपको लगा कि यार ये तो गजब का ही है। कि जब हम लोग एक बड़ी से दूसरे बड़ी को कंपेयर कर रहे थे तो ऐसा था कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, हम यहाँ खड़े हैं तो हम रेस्ट में हैं, इस कैमरे के सामने तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन दोनों तो अर्थ पे हैं, तो पूरे अर्थ को पढ़ना शुरू किया तो पूरे के लिए मोशन में आ गया। तो ये वाली बात होती है एब्सोल्यूट और रिलेटिव, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट हम कह रहे हैं या रिलेटिव रेस्ट कह रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं कहीं, होता ही नहीं कहीं, ये वो रिलेटिव रेस्ट होता है कि हम अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ चूंकि सन के अराउंड रोटेट कर रहा है तो हम सन के रेस्पेक्ट में कभी रेस्ट में हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर अर्थ पर के दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर ले तो वहां हम लोग रेस्ट में होते हैं। चलो बताओ अब यहां से आगे बढ़े, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। लगता है आज नेटवर्क कुछ लोगों का खराब है, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार छूट जा रहा है। मौसम ठीक ठाक है सब जगह? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको एक बात कंफर्म करो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द काउज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो हमको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अब किसी से छूटना चाहिए, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, दोनों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक साइड किया है। तो जब टॉपिक साइड हो गया, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिज्म का जो एक बड़ा सा पार्ट था, मतलब जो बार मैग्नेट का था, वो पूरा साइड कर दिया है, तो हम लोग को जो है मैग्नेटिज्म पढ़ना है और मैग्नेटिज्म ही पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक भी साइड कर दिया इस बार। तो आपको यहां से इसी टॉपिक से क्वेश्चन निकाल करके पूछा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग का लिखा जाएगा, हो जाएगा ना सबसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो। बहुत बढ़िया, रिपीट कर दीजिए ना। क्या बोले? पहला वाला पॉइंट नहीं ज्वाइन किए थे, लेट हो गया था, लेट वाले की सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम क्या देखते हैं कि टाइम हम लोग का दिया हुआ है 5 बजे, तो कुछ लोग ना एकदम 5:07 और 5:08 पे ज्वाइन करते हैं। आपको 4:58 PM पर हर हाल में आईडी पासवर्ड डाल करके और आराम से वेट करना शुरू कर देना है, और नहीं तो अगले दिन से हम ना जिसका एक बार में एक्सेप्ट हुआ और वरना अगला जो है वो अगले मीटिंग में ही एक्सेप्ट करेंगे, दोबारा हम एक्सेप्ट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग को देख रहे हैं कि टाइम की पंक्चुअलिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रही है। और क्या है ये, जब आप घर से पढ़ रहे हैं तो क्लास आने में तो सर जाम लग जाता है, सर यहाँ जाम लगा हुआ था, सर आने में लेट हो गया, सर अब क्या लेट होता है, नेटवर्क में जाम नहीं लगता है, टाइम पे रहा करिए वरना सिलेबस छूटेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग समझते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी यार, मतलब कि ऐसा कि एक बार आप फिगर समझ लो तो आपके दिमाग में बस फिगर डाउनलोड हो जाना चाहिए, बाकी आपको रटने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहली बात तो ये, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाते हैं वो समझना। एक होता है ज्योग्राफिक डायरेक्शन, जिसको हम जिसमें हम लोग मेनली यूज जो करने वाले हैं वो है ज्योग्राफिक साउथ और ज्योग्राफिक नॉर्थ। ज्योग्राफी वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो पढ़े हुए हैं ज्योग्राफिकली डायरेक्शन कि ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे सामने उधर ईस्ट है, पीछे वेस्ट है, क्लासरूम का आपको याद होगा, और इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है। तो जो हम लोग साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहते हैं ये ज्योग्राफिक डायरेक्शन होता है। तो अभी बात कर रहे हैं हम कि ज्योग्राफिक साउथ इस तरफ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ इस तरफ है, और हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो इस टाइप से है कि अगर हम इसको बार मैग्नेट से कंपेयर करें, मतलब जो इसका अर्थ का मैग्नेटिज्म है
वो इस टाइप से है कि हम लोग को ऐसा मिलता है कि ये बार मैग्नेट के टाइप, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया गया था ना कि एक ह्यूज बार मैग्नेट इज बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, तो वैसा ही इसका मैग्नेटिज्म का बिहेवियर है। होता करंट की वजह से है नहीं वो बार मैग्नेट अंदर में, लेकिन उस करंट की वजह से जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इस टाइप से है कि ज्योग्राफिक साउथ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ है। ध्यान देना इस बात पे, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ है और ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक साउथ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझाते हैं कि अगर मान लो कि ये मेरे पास बार मैग्नेट हो, बार मैग्नेट तो मेरे पास है ऑलरेडी, दिखाए हुए भी आप लोग को है। इसका माइक ऑन है, माइक बंद करिए, डिस्टर्ब हो रहा है आपकी आवाज से। ध्यान से सुनिए, जिस टाइम पूछने के लिए बोलेंगे तब पूछिएगा। देख लो कैसे लड़की कि माइक लगा कर कहीं गायब हो गए, और ऐसे वाले को रिमूव कर देंगे तो बोलेंगे सर पैसा ले लिए हमको पढ़ाते नहीं, विकेट गिर गया। ध्यान देना यहाँ, अगर ये बार मैग्नेट है, देखो जब हम पढ़ाने के मूड में होते हैं ना तो चाहते हैं कि एकदम एक बार में ऐसा सिखा के भेजे आपको कि हर हाल में वो याद होना चाहिए। और याद रखना कि ये वाली जो है कॉन्सेप्ट वो एक बार सीख लेने के अपना आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं। ये मान लेते हैं कि बार मैग्नेट है, अगर इसको हम सस्पेंड कर दे, फ्रीली लटका दे, तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। जरा रीजन ढूंढ के देखो कि नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों जाता है। तो चूंकि हम लोग ये समझ सकते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण जाता है, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण जाता है। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा है और अट्रैक्शन रिपल्शन को पढ़ा भी, और मैंने प्रैक्टिकली दिखाया भी था आपको मैग्नेट वाले एक्सपेरिमेंट में। तो वहां पे बताया था कि नॉर्थ पोल ना साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल जो होता है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो अगर हमने इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जरूर इधर कोई साउथ पोल होगा, तभी तो नॉर्थ पोल उधर की ओर गया है, अट्रैक्ट हुआ है। या साउथ डायरेक्शन में हम लोग को साउथ पोल जाता हुआ दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर इस तरफ साउथ डायरेक्शन में कोई नॉर्थ पोल होगा। अब इसी पर रिसर्च जब होना शुरू होगा और तब हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किए, तो हम लोग को यह मिला कि ज्योग्राफिक साउथ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है। और जो एक्सिस आप लोग को समझ में आता होगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है। जब हम फिगर बनाएंगे तो और बेटर क्लियर होगा, और हम एक अच्छा सा बड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये है हमारा अर्थ, थोड़ा अगर गड़बड़ हो भी गया हो तो आप इसको सीधा मानिएगा। और देखो इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस, इसका जो रोटेशन है एक्सिस का, और हम लोग सीधा ही मानते हैं इसको। आप लोग ऐसे जानते होंगे कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर झुका हुआ भी है, लेकिन हम लोग सीधा मान लेते हैं इसको। तो आप लोग को याद होगा कि ऊपर होता है नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे होता है साउथ डायरेक्शन, ऐसे हम दिखाते हैं। तो ये जो साउथ है, नॉर्थ साउथ है, ये है ज्योग्राफिक, इसलिए इसमें हम जी लगा देते हैं। तो जो मैग्नेटिक वाला होता है ना, वो मैग्नेटिक वाला जस्ट अपोजिट, जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है, और जिधर ज्योग्राफिक साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। लेकिन यहां भी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये वाला भी ना एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि जैसे ये नॉर्थ साउथ का एक्सिस है वैसे ही होगा। ये ज्योग्राफिक डायरेक्शन हो गया, और इसमें जो हम एक्सिस ये लिए हुए हैं, जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और इसमें जो मैग्नेटिक ये डायरेक्शन है वो देखो कुछ इस तरह से है। हम पहले इसका इक्वेटर ड्रॉ कर लेते हैं। याद होगा सब लोगों को कि ये इक्वेटर होता है, और ये देखो यहां से सीधा लाइन हम लोग को लेना है। ये है मैग्नेटिक वाला पोल, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक मैग्नेट होता है, या हम लोग अर्थ के मैग्नेट को मानते हैं, जिसके वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म है। थोड़ा सीधा बनाइएगा इसको, ठीक ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा मानना है। ये देखो है इसमें, इसमें ये जो ऊपर की तरफ है वो होता है, मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है, इसको हम लोग एसएम कहते हैं। यहां से हम लोग इस एक्सिस को बढ़ा भी सकते हैं आगे, इधर भी बढ़ा देते हैं,
और जो इस तरफ होता है इसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, इसलिए इसको NM लिखते हैं। M रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक एंड G रिप्रेजेंट्स ज्योग्राफिक। तो देखो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को मिलाने वाला लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। एक एक टर्म को समझना और डेफिनेशन यहाँ सीख लेना इसका, क्योंकि अलग से साइड से डेफिनेशन लिख करके रखने की जरूरत नहीं है। आप फिगर समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा कि ये जो है यहाँ इसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। थोड़ा सा हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को भी बना लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, फिर लिखेंगे तो वो क्लियर दिखेगा आपको। तो देखो यहां से इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे लेते हैं जो कि अर्थ सरफेस से पैरेलल आता है, इस तरफ भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, और यहां ज्योग्राफिक एक्सिस। समझना कि ये जो एक्सिस है ये वाला हम बता रहे थे आपको ज्योग्राफिक एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है, तो ये है हमारा ज्योग्राफिक एक्सिस। और ये जो हम लोग को दिख रहा है ये है मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को मिलाने वाला जो लाइन है वो ज्योग्राफिक एक्सिस होगा, और मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ को मिलाने वाला जो एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक एक्सिस होगा। नाम से ही समझ लो यहाँ एक्सिस वो होता है जो मिलाने वाला होता है। अब देखो इसी में एक डेफिनेशन, एक पहले तो ये बात जानना है आपको कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ, जो ज्योग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे पर 11.3 डिग्री से इंक्लाइंड होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस ये दोनों एक दूसरे पर 11.3 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड होते हैं। तो ये आपको एंगल याद रखना है। अच्छा एक बात और समझना है यहां कि अगर ज्योग्राफिक एक्सिस के डायरेक्शन में कोई वर्टिकल प्लेन ले, आपको तो पता है कि हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, और स्फेयर का मान लो कि ऐसे हम काट दे, बीच से काट दे आधा आधा, तो अगर आधा आधे कर दे तो जो एक प्लेन मिलेगा, देखना ये वाला प्लेन जो ऐसे आपके सामने से दिख रहा है, तो ये जो प्लेन होगा जो ज्योग्राफिक एक्सिस में होगा उसको हम लोग कहते हैं, मतलब ज्योग्राफिक एक्सिस में जो होगा उसको कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक एक्सिस में होता है उसको कहते हैं द वर्टिकल प्लेन इन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस, इन द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों बात को ध्यान रखना है कि ज्योग्राफिक एक्सिस में जो वर्टिकल प्लेन होता है उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, और मैग्नेटिक एक्सिस में जो प्लेन होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन याद रखना है। उसके बाद फिर देखना कि ये वाला जो लाइन हम लोग खींचे हुए हैं अर्थ पर, ये वाला जो होता है इसको कहते हैं हम लोग ज्योग्राफिक इक्वेटर, जो अर्थ को बीच से दो पार्ट में बांटता हो। और अगर हम लोग यहाँ ऐसे ड्रॉ कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर लाइन होगा, इसके लिए सर्कुलर लाइन दिखाइएगा, देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इसको हम ला करके देखो ऐसे अगर कर लेते हैं तो ये वाला जो होगा इसको हम लोग कहते हैं, ये सर्कुलर लाइन जो दिख रहा है आपको, ये कहते हैं हम लोग इसको मैग्नेटिक इक्वेटर, जो मैग्नेटिक टाइप में दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता हो, चूंकि ये हल्का सा इंक्लाइंड है तो ये वाला भी इंक्लाइंड होगा, और इस तरीके से जो होता है इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये हमारा इस प्लेन में देखो अगर नाम लिखते हैं हम इसमें, तो देखो यहां जो होगा इसको हम लोग कहेंगे जो वर्टिकल प्लेन उसको कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन को हम लोग कहते हैं चुंबकीय यामयोत्तर। नाम बड़ा गजब होता है इसका, हिंदी लिख देते हैं, देखना इसका कि ये होता है चुंबकीय यामयोत्तर, ऐसा लिखा जाता है। और जो होता है ज्योग्राफिक एक्सिस में जो वर्टिकल प्लेन इसको कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और इसका हिंदी अगर लिखे तो ये कहलाता है भौगोलिक यामयोत्तर। देखो नाम कितना हिंदी में गजब होता है, भौगोलिक यामयोत्तर ऐसे लिखा आता है। तो ये वर्टिकल प्लेन होता है, एक्सिस और मेरिडियन दोनों में डिफरेंस क्लियर है सब लोगों को, जरा एक बार कंफर्म करो तो हमको। यस सर। एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान देना इस पे,
कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिलाने वाला लाइन होता है उसको कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, और इसमें जो वर्टिकल प्लेन होता है इसको कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और जो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को मिलाने वाला एक्सिस होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और जो इसमें वर्टिकल प्लेन होता है उस वर्टिकल प्लेन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद फिर देखना कि ये जो होता है जो अर्थ का इक्वेटर होता है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, मतलब ज्योग्राफिक इक्वेटर। और लिखने के लिए जगह थोड़ा कम पड़ रहा है मेरे पास, लेकिन अब देखना कि ये वाला जो है यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि ये वाला जो है इसको कहते हैं ज्योग्राफिक, जीईओ ज्योग्राफिक, और इक्वेटर ई क्यू यू ए टी ओ आर इक्वेटर, और ये वाला जो है इसको कहते हैं मैग्नेटिक और इक्वेटर। ध्यान देना इस बात पे कि ये मैग्नेटिक इक्वेटर है जो मैग्नेटिक टाइप से अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो ज्योग्राफिक टाइप से अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो कहलाता है ज्योग्राफिक इक्वेटर। बताओ ये सारा का सारा डेफिनेशन क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ नॉर्थ कैसे होता है, कि ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ, और जिस तरफ ज्योग्राफिक नॉर्थ है उस तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है, और जिस तरफ ज्योग्राफिक साउथ है उस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। मतलब जो हम लोग डायरेक्शन देते हैं, बात को समझना और इसका टेक्निक ध्यान में रखना, जो हम लोग डायरेक्शन देते हैं वो मैग्नेट को सस्पेंड करने के अकॉर्डिंग, कि मैग्नेट को सस्पेंड करने पर, एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करने पर वो जिस तरफ जाकर के नॉर्थ पोल होगा उस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, और जिस तरफ साउथ पोल होगा उस तरफ साउथ डायरेक्शन, ये हो गया ज्योग्राफिक। लेकिन अर्थ का जो होता है वो ठीक इसके अपोजिट, कि अगर हमने फ्रीली बार मैग्नेट को सस्पेंड किया है तो जिस तरफ नॉर्थ जा रहा है मैग्नेटिक का उस तरफ साउथ होगा, और जिस तरफ साउथ जा रहा है उस तरफ मैग्नेटिक का नॉर्थ होगा। और एक बात और भी ये क्लियर कर लेना कि ये जो मैग्नेटिज्म हम दिखा रहे हैं असल में ऐसा कोई बार मैग्नेट अर्थ के अंदर है नहीं। अब हम लोग इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं कि एकदम यहां से सीधे इस तरफ जाए तो हम लोग दूसरे तरफ अर्थ के निकल सकते हैं, और हमको अर्थ के अंदर का पूरा पता है कि क्रोड है, बाकी पूरे लेयर्स में जैसे अर्थ बना हुआ वो सब जानते हैं हम लोग, तो ऐसा कोई बार मैग्नेट नहीं है। लेकिन जो बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ है, वो कुछ इसी तरह का है। इसीलिए हम एक वर्चुअल टाइप का, एक इमेजिनरी टाइप का बार मैग्नेट मान लिए हैं जिससे हम अर्थ मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट कर सके। और देखो अगर ये साउथ मैग्नेटिक, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर निकलता हुआ, और साउथ जो होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ, तो ये देखो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बताओ ये फिगर सब लोगों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर सर। नो सर। क्लियर है। चलिए सब लोगों को क्लियर हो रहा है ये। और इतना सीखने के बाद हम लोग का जो है सारा का सारा चीज जो है, मतलब बाकी जितने भी चीजें है ना वो सब बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, कुछ और बात को समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसको अगर देखो तो पोल्स के पास देखो, तो चूंकि इतना तो हम लोग चार पांच लाइन ही दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे लाइन को अगर दिखाते तो देखो तो पोल्स के पास ये परपेंडिकुलर है ना, इधर से इधर जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ना। यस सर। तो हमको ये सुन लो। यस सर। यस सर। अच्छा इक्वेटर पे अगर ध्यान दो तो इक्वेटर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो देखो तो सरफेस के अप्रोक्स पैरेलल है ना। यस सर। यस सर। यस सर। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो पोल्स पर। अब बोलोगे सर पोल तो यहाँ है ना ज्योग्राफिक वाला, तो भाई 11 एक तो पहले अर्थ इतना ह्यूज है, विशाल है, और इसमें जो एक्सिस दोनों के बीच एक्सिस का एंगल जो होता है वो 11.3 डिग्री ओनली, वेरी नॉमिनल, बहुत छोटा सा। लेकिन आपको ध्यान तो रखना है क्योंकि साइंटिफिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत छोटी क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये बात तो है कि ये डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी लगभग लगभग वो एक दूसरे के क्लोज ही होता है। तो आप अगर पोल पे ही देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और अगर इक्वेटर के पास देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल होता है। और ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, इसका हेल्प हम लोग को मिलेगा जब आगे हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तब वहां पे। चलो क्लियर है ना यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए पहले, तब आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत? लाइन देखो ना पैरेलल सरफेस के दिख रहा है, इक्वेटर यहाँ पे है। यस सर।
यस सर। तो पहले वो यहाँ और पोल पर देखो ना कि अंदर जाता हुआ यहाँ से निकलता हुआ देखो सरफेस से नहीं निकल रहा है, अभी बोलो सर यहाँ तो एंगल दिख रहा है ना। अरे बालक ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को लीजिएगा तो वो ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले यहाँ से निकलेगा तो ऐसा ही ना निकलेगा, इस कारण से पोल्स पर परपेंडिकुलर होता है और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अर्थ का है वो पैरेलल होता है। अब बोलो क्लियर है सबको? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें और देखना इसमें जो जो पॉइंट लिखवाए हैं उन सब का डेफिनेशन आपको रटने का जरूरत नहीं हो, हमको लिखवाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वो आराम से फिगर से ही देख के आपको समझ में आना चाहिए कि जो ज्योग्राफी को ज्योग्राफिक टाइप से दो पार्ट में अर्थ को हमारा बांटता है वो ज्योग्राफिक इक्वेटर, जो मैग्नेटिक टाइप से दो पार्ट में अर्थ को बांटता है वो मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को मिलाने वाला ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है, मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ को मिलाने वाला मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस के डायरेक्शन में जो वर्टिकल प्लेन होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा, और ज्योग्राफिक एक्सिस के डायरेक्शन में जो वर्टिकल प्लेन होगा, लाइन और प्लेन में अंतर समझ में आना चाहिए, लाइन एक पॉइंट से पॉइंट टू खींचा हुआ लाइन होगा और वर्टिकल प्लेन कहने का मतलब ये पूरा सीधा प्लेन होगा, ये ऐसे है इसको आप ऐसे देख रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ज्योग्राफिक एक्सिस में रहेगा वर्टिकल प्लेन वो ज्योग्राफिक मेरिडियन और जो मैग्नेटिक एक्सिस में रहेगा वर्टिकल प्लेन वो होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारा होगा अर्थ के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके बीच का ये डेटा आपको याद होना चाहिए कि ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस जो है, एक्सिस की बात कर रहे हैं कि एक्सिस दोनों जो है वो 11.3 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। चलो इससे बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो है मैग्नेटिक इलेमेंट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक इलेमेंट कौन कौन सा होता है, हम किसी भी पॉइंट पर अर्थ सरफेस पर मैग्नेटिज्म को कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे जिससे कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाए अर्थ का। तो इसके लिए हम लोग तीन क्वांटिटीज का यूज करते हैं फॉर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वी यूज थ्री इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जिसमें सबसे पहला होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, थीटा से लिखते हैं, दूसरा होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको डेल्टा से लिखते हैं, स्मॉल डेल्टा, इसको मैग्नेटिक डीप भी कहते हैं, और उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन तरीके से हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, हम इस तरह ना पॉइंट्स को मिटा, फिगर भी हमको मिटाना ही होगा क्योंकि आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। आप ना ये वाला जो बार बताए हैं कि जो यहाँ एंगल है सरफेस पर जो पैरेलल है इक्वेटर के पास और पोल पर जो परपेंडिकुलर है, ये बात को ध्यान रखना, बाकी इसके बाद देखिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं इसके मैग्नेटिक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो और चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी और इसके क्वेश्चंस भी जो है आप देखिएगा मोस्टली जब भी पूछे हैं तो वो लैंग्वेज बेस्ड ही होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन भी हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। चलिए टॉपिक हमारा वही है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म में अभी हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, और सबसे पहला मैंने बताया कि फर्स्ट जो होता है वो होता है डिक्लिनेशन, पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन DECLINATI डिक्लिनेशन, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका हिंदी होता है चुंबकीय अवनमन, ध्यान रखना डिक्लिनेशन का हिंदी अवनमन, तो वो चुंबकीय अवनमन कहलाता है, थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं हिंदी में दिक्पात लिखा हुआ मिलेगा तो वो भी यही थीटा ही होता है, फिर आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन कहीं लिखा हुआ मिले तो आप समझेंगे कि थीटा होता है ये, और होता क्या है वो डेफिनेशन को समझो पहले, डेफिनेशन इसका है कि द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मतलब जो अभी हम बनाए थे ना कि जो फिगर बना था तो उसमें डिक्लिनेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन को दिखाते हैं। तो समझना इसको कैसे होगा कि ये मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है और इसका ये हो गया एक्सिस,
अब इसमें अगर हम लोग चूंकि मेरिडियन हम लोग ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, और किसी भी प्लेस पर अगर हमको दिखाना होगा तो हम लोग यहां मैग्नेटिक नीडल को ले लेते हैं, जिसको हम लोग कंपास कहते हैं। तो ये देखो ऐसा है कि ये अगर मान लेते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है, तो इस तरफ हमारा मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एंगल यहां फॉर्म होता है ना यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अर्थ सर्फेस पर अगर हम लोग कंपास को रखें, तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ जो मैग्नेटिक साउथ जो मिडिल होगा, मिडिल का मैग्नेटिक साउथ पॉइंट जो होगा, वो जो एंगल फॉर्म करता है ना इसी एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। और ये एंगल एक्चुअल में ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच का एंगल होता है। ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्लेस पर अर्थ के जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मतलब आप डिफाइन करेंगे द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस ऑन अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा। ये होता है थीटा से। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड देखना, अच्छा इसमें और भी कुछ बात को जानना है आपको, कुछ पॉइंट्स को जानना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसका हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं कंपास नीडल के हेल्प से। जो कंपास हम लोग क्या होता है जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ होता है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने वाला होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो रोटेट करता है उसको कहते हैं कंपास नीडल। और विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल वी कैन डिटरमाइन थीटा विच इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो हम लोग इसमें जो यूज करते हैं डिवाइस इसको मेजर करने के लिए वो होता है मैग्नेटिक कंपास, या कंपास नीडल भी कह सकते हैं इसको, बेटर होगा कि कंपास नीडल कहें, कंपास नीडल। इसका यूज करते हैं हम लोग डिक्लिनेशन के मेजरमेंट करने में। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट समझना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि डिक्लिनेशन थीटा जो होता है वो लेस नियर इक्वेटर होता है एंड मोर एट हायर लैटिट्यूड होता है। हायर लैटिट्यूड कहने का मतलब पोल्स। तो पोल्स पर के लिए देखो ये एंगल आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब यहां आने के बाद अगर इक्वेटर के पास आइएगा तो लगभग लगभग जो दोनों प्लेन है वो लगभग सिमिलर हो जाता है ऐसा। तो इसको ध्यान रखना है कि इक्वेटर के पास थीटा जो होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वो लेस होता है, कम होता है, लेकिन जब पोल्स पे जाते हैं हायर लैटिट्यूड पर पोल्स पर, तो पोल्स पर ये थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है। इसी में एक एग्जांपल देखो दिया हुआ है कि इन इंडिया एट दिल्ली थीटा इज 0 डिग्री। ध्यान रखना कि दिल्ली की अगर बात करें हम तो दिल्ली में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 41 मिनट। देखना ध्यान से कि मिनट जो है वो यूनिट दिया हुआ है एंगल का स्मॉल, और ये ईस्ट होता है, मतलब 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट होता है दिल्ली में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू। मेजरमेंट करते हैं किससे, तो कंपास नीडल से करते हैं। कंपास नीडल का मोशन कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन होता है, मतलब ऐसे रखते हैं ना तो हॉरिजॉन्टली ये मूव करता है, हॉरिजॉन्टल वाला होता है। उसके बाद हम लोग को सेकेंड पॉइंट जो पढ़ना है इसमें वो है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा से, और असल में इसी को हम लोग कहते हैं डीप। ठीक है, इसको डीप सर्कल से या डीप कंपास से हम लोग मेजर करते हैं, डीप नीडल से मेजर करते हैं, इसलिए इसको हम लोग डीप भी कहते हैं। और ये होता है डेल्टा से लिखा जाता है। और ये क्या होता है इसको समझना कि इसके लिए हम पहले बनाते हैं फिगर, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये ऊपर वाला समझ में आया सब लोगों को, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सर फिगर में फर्स्ट का आप नीडल का डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ दिए हैं लेकिन नोट्स में साउथ है, क्या बोल रहे हैं? ये जो आप फर्स्ट में जो फिगर बनाया है ना सर, तो उसमें मैग्नेटिक नीडल डायरेक्शन आप दिए डाउनवर्ड्स में और लेकिन नोट्स में साउथ है। नोट्स में साउथ है क्या? सॉरी ऐसा हो गया है कि हम इसमें दिखा दिए हैं अर्थ वाला, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर हम लोग मैग्नेटिक निडल को ले रहे हैं, हम अर्थ का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें निडल का, तो यहाँ नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा क्योंकि हम निडल ले रहे हैं ना,
पेंडुलम जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ जाएगा और साउथ डायरेक्शन में साउथ की तरफ जाएगा। वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वाला हम डायरेक्शन यहाँ दिखा दिए थे, ये गलती मेरे से हो रहा था, अब क्लियर है, समझ में आया सबको? Yes, sir. अब देखना कि चूंकि इन दोनों का अगर हम वर्टिकल प्लेन को दिखाते हैं साइड से, जो हम ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहे थे, अगर इन दोनों को हम अलग से साइड से दिखाएं, तो देखो अलग से दिखाने पर दो वर्टिकल प्लेन आपको नजर आ रहा होगा। इसमें ये वाला मान लेते हैं कि ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को ही हम लोग कहते हैं थीटा। और किसी भी प्लेस पर देखो, यहां पे कंफ्यूज मत करना कि जब हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक, जिसका कंफ्यूजन हमको भी हुआ था, क्लियर कर लो इसको, कि जब अर्थ का मैग्नेटिक दिखाएंगे, मैग्नेटिज्म दिखाएंगे, तो नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ होगा। लेकिन जब हम लोग किसी कंपास नीडल को दिखाएंगे, तो कंपास नीडल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नॉर्थ दिखाता है और ज्योग्राफिक साउथ की तरफ साउथ दिखाता है। तो वो ध्यान रखना है आपको, किधर नॉर्थ किधर साउथ ही होगा। चलो अब यहां आते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन ये हुआ हमारा और मैग्नेटिक मेरिडियन ये हुआ, तो दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है वो कहलाता है थीटा। अब देखो कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर हम ये मान लेते हैं बीई, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको कहते हैं BH और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको कहते हैं BV। अगर हम आपको साइड से समझाना चाहें तो आप समझ सकते हो, यहीं पे हम लिख देते हैं कि BH अगर लिखना होगा और BV अगर लिखना होगा तो हम इसका रिजोल्यूशन करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा उसको समझो, कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल फॉर्म करता हुआ होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल फॉर्म किया हुआ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और लिखा जाता है डेल्टा से। डेफिनेशन इसका कैसे लिखते हैं कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डी डेल्टा। मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है वो है बीई और हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन में, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसको तोड़ सकते हैं, तो ये हो गया हमारा बीएच। तो इनके बीच का जो एंगल हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंगल फॉर्म करता है, ये कहलाता है डेल्टा। तो इस डेल्टा के अकॉर्डिंग अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ले, तो दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व करने पर ये हो जाएगा बीएच और ये हो जाएगा बीवी, ऐसा हो जाएगा। तो बीएच और बीवी के लिए अगर लिखते हैं तो देखो, तो ये तो एंगल वाला कंपोनेंट है ना, याद होगा वेक्टर के रिजोल्यूशन में एंगल वाले कंपोनेंट में कॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल के अपोजिट वाले में साइन मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर बीएच को लिखे तो ये हो जाएगा बीई और मल्टीप्लाइड बाई कॉस डेल्टा, और यहां बीवी को लिखिएगा तो ये बीई मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा होता है। मतलब इस तरीके से हम अगर कहना बताना चाहते हैं इस बात को, उसको याद करना कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बीई होता है, वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डेल्टा से लिखते हैं इसको। और अगर हम इस बीई को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ले, तो एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये होगा बीई कॉस डेल्टा के इक्वल, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये होगा बीई साइन डेल्टा के इक्वल। बताओ क्लियर है सबको ये? Yes, sir. अब देखो इसका मेजरमेंट जो करते हैं वो हम लोग करते हैं डीप निडल के हेल्प से, और डीप निडल क्या होता है, डीप निडल। तो डीप निडल जो होता है उसका मोशन जो होता है ना, वो होता है वर्टिकल प्लेन में। बड़ा गजब का होता है ये, वर्टिकल प्लेन में होता है। कैसे होता है, मतलब मेरा हाथ देखना कि हम लोग, आप लोग देखे कंपास देखे हैं कभी? Yes, sir. मैग्नेटिक वाला? Yes, sir. अब देखे होंगे तो उसमें याद होगा कि उसको हम लोग ऐसे रखते हैं सरफेस पर ऐसे, और ऐसे रख करके उसका देखते हैं कि नॉर्थ किधर जा रहा है साउथ किधर जा रहा है, और yes,
वो जो होता है ना डीप निडल, वो होता है सामने ऐसे रखे जाने वाला, मतलब आपको ना उसका फेस सामने से दिखेगा, वो वर्टिकल सर्किल में उसका जो मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक निडल जो होता है वो इस तरीके से वर्टिकल सर्किल में रोटेट करता है, और जो कंपास निडल होता है वो हॉरिजॉन्टल सर्किल, दोनों समझ में आना चाहिए, ये है हॉरिजॉन्टल सर्किल और ये है वर्टिकल सर्किल, तो वर्टिकल सर्किल में रोटेट करने वाला होता है डीप निडल और हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट करने वाला होता है कंपास निडल। तो हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को कंपास निडल से जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे मेजर करते हैं, और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को डीप निडल से मेजर करते हैं जो कि वर्टिकल सर्किल में रोटेट करता हुआ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझना कि अगर हम लोग इंडिया में देखें, क्योंकि हम लोग इसको पूरे अर्थ के लेवल पे पढ़ते हैं, तो इंडिया में अगर देखें तो इसका वैल्यू जो होता है, पहले तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, एक और पॉइंट देखो यहां जानना है कि ये जो डीप निडल है उसको हम लोग डीप सर्किल भी कहते हैं क्योंकि वो सर्कल वर्टिकल सर्किल में करता है। दूसरी बात आप में इसको एक और पॉइंट जानना है इसमें ये कि अगर हम लोग डिक्लिनेशन के वैल्यू को देखें तो पोल पर का जो वैल्यू होता है, अगर हम पूरे अर्थ को ले तो पोल पर का जो वैल्यू होता है डिक्लिनेशन का, नहीं इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, इंक्लिनेशन का, तो ये होता है 90 डिग्री, और अगर इक्वेटर पर की बात करें तो इक्वेटर पर जो होता है ये होता है 0 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन शायद पूछा हुआ भी है कि डीप जो, इसी को जो कि हम लोग डीप कहते हैं, तो डीप का वैल्यू जो है वो पोल्स पर 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री परपेंडिकुलर था पोल पर और इक्वेटर पर पैरेलल था, इस कारण से डीप जो होता है वो, या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो होता है वो पोल्स पर 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वो घटता है। जबकि इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के लिए, तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के लिए हम आपको क्या बताए थे कि ये जो होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के लिए, उसमें बताया था मैंने कि ये जो होता है वो नियर इक्वेटर मोर ज्यादा होता है और पोल्स पर जो है, पोल्स पर ये उल्टा बोल रहे हैं, लेस नियर इक्वेटर एंड मोर एट हायर लैटिट्यूड, मतलब पोल्स पर ये ज्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है, और इसके लिए जब हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन पोल्स पर 90 डिग्री वैसे ही ज्यादा और इक्वेटर पे आने पर ये 0 डिग्री हो जाता है। और मतलब कि आपको ये दोनों पॉइंट, इसके लिए हम लोग को पोल्स और इक्वेटर पर का एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखना है, लेकिन आपको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का वैल्यू याद रखना है कि पोल्स पर 90 डिग्री होगा, इक्वेटर पर 0 डिग्री होगा, और जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो हम लोग को वैल्यू इसका डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। अब इसी वैल्यू को आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग इंडिया में दिल्ली में अगर लिखते हैं तो दिल्ली में डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो 41 डिग्री के आसपास, 42 डिग्री होता है, ये 42 डिग्री होता है, मतलब अगर हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा की बात करें तो दिल्ली में होता है 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट, और अगर हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा की बात करें तो दिल्ली में होता है, जो हमारा कैपिटल है, तो वो होता है डेल्टा का वैल्यू 42 डिग्री, यहाँ पे डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नहीं होता, जबकि इसमें हम लोग ईस्ट वेस्ट से दिखाते हैं कितना है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें नोट्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और ये भी आपको याद रखना है। चलो बताओ क्लियर है सबको ये बात? यस सर। चलो नेक्स्ट थर्ड हम लोग को पढ़ना है और वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग पढ़ते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहने का मतलब ये बीएच की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है ये उसको भी डेफिनेशन से समझ लो कि द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, चूंकि हम लोग बीई को दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बीवी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बीएच, तो बीएच जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग बीएच से। तो इसमें बीएच के लिए अगर आपको वैल्यू निकालना होगा तो देखो मैंने अभी बताया था कि बीई इंटू कॉस डेल्टा होता है,
रिजोल्व कर लिए हैं, और बी भी इक्वल टू लिखेंगे तो बी मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा होगा। अब यहां से आपको दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिराइव कर लेना है कि एक सबसे पहला तो अगर हमको डेल्टा ही निकालने का जरूरत पड़े कि बताओ डेल्टा ही क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सिंस ध्यान देना यहां कि सिंस बी एच इज इक्वल टू हम लोग निकाले हुए हैं कि ये होता है बी और कॉस डेल्टा, और बी भी इज इक्वल टू निकाले हुए हैं कंपोनेंट को रिजोल्व करके दो कंपोनेंट में, ये होता है बी और साइन डेल्टा। सो अगर हम निकालना चाहते हैं यहां से दोनों का रेशियो तो आसान होगा कि बी भी डिवाइडेड बाई बी एच कर ले, साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो यहां से मिल सकता है हमको बी और साइन डेल्टा, और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा बी और कॉस डेल्टा, बी से बी कैंसल, और साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा इज इक्वल टू यहां मिल जाएगा टेन डेल्टा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेन डेल्टा अगर कहीं निकालने की जरूरत पड़े तो हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं टेन डेल्टा का। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगा कि इसमें से आप टोटल या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को निकालो। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके सम कर देते हैं। तो देखो ये कर लेंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा बी भी स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी तरफ करेंगे तो ये होगा बी और कॉस स्क्वायर डेल्टा, और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, स्क्वायर करके हम ऐड कर रहे हैं। अब फिर यहां हो जाएगा बी स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो अब यहां से अगर हम इसको लिए देखो थोड़ा जगह कम है, हम शॉर्ट में कर देते हैं कि कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू वन हो जाएगा, दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा वन हो जाएगा, स्क्वायर को उठा के इधर ले चले आते हैं तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा ये। अब इसको बी एच पहले लिखो या बी भी पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो बी भी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी एच स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया सब लोगों को कि बी स्क्वायर दोनों से कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा वन हो गया, स्क्वायर को उठा के इस तरफ लेके आया तो अंडर रूट में हो गया, तो बी इज इक्वल टू हम लोग को मिलता है अंडर रूट, और ये होता है बी भी स्क्वायर अंडर रूट बी भी स्क्वायर और प्लस बी एच स्क्वायर। तो यहां से आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, यहां से इंक्लिनेशन को निकाल सकते हैं डेल्टा को, और थीटा जो है हम लोग डिक्लिनेशन जो है वो भी निकाला जा सकता है जब हम लोग मैग्नेटिक नीडल का यूज कर लेंगे, कंपास नीडल का यूज कर लेंगे। तो ये होता है। बताओ कहीं कोई दिक्कत किसी को? आगे एक लाइन और ध्यान रखना है इसमें कि बी एच का जो वैल्यू है हम लोग मेजर करते हैं तो इसमें डिवाइस यूज किया जाता है मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर नाम का डिवाइस हम यूज करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग बी एच को कैलकुलेट कर लेते हैं, और बी एच होता क्या है तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस कहलाता है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को या डीप को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है डीप नीडल, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कंपास नीडल। ये आपको ध्यान रखना है, कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल मोशन करता है और डीप नीडल जो है इसको हम लोग डीप सर्कल भी कहते हैं, ये वर्टिकल मोशन करता है। एक और पॉइंट ध्यान रखना है आपको, बी एच जो है वो जीरो होता है पोल्स पर एंड इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटर। मतलब इक्वेटर पर अगर हम ले तो बी एच का वैल्यू टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है क्योंकि वहां पर पैरेलल हो जाता है, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे पोल्स पर तो पोल्स पर तो सारे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दोनों नॉर्थ पोल पर वो तो परपेंडिकुलर होते हैं। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वैसे सिचुएशन में वहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। फिर से हम बोलते हैं ध्यान देना कि दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो वो वर्टिकल होता है वहां पर केवल, तो वहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। इस कारण से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच पोल्स पर जीरो होता है, लेकिन इक्वेटर पर ये पैरेलल होता है सरफेस के, हॉरिजॉन्टल ही हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इस कारण से इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है, मतलब बीई के इक्वल होता है बी एच इक्वेटर पर, और जीरो होता है पोल्स पर। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रह जाएगा सब लोगों को। यस सर। यस सर। यस सर।
चलो तो इस पूरे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में इतना ही पढ़ना है, हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है इसमें, जरा उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री। हम इस तरफ पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको समझा सके बेटर। आसान सा क्वेश्चन होगा इसमें, ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है, और आपको बस खाली एक ही तो फॉर्मूला है जो याद रखना है कि हम लोग को रिजॉल्व करना होता है टोटल इंटेंसिटी को दो कंपोनेंट में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन क्या है इसमें, कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री। तो डीप को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अच्छा कंफ्यूज मत करना, डीप कहने का मतलब लगता है डिक्लिनेशन से जुड़ता होगा, लेकिन वैसा नहीं है। इंक्लिनेशन का के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डीप। तो आप ध्यान रखना कि जहां डीप लिखा रहे वहां इंक्लिनेशन मतलब डेल्टा होगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 गॉस। तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, आइए है 0.3 जी। कहने का मतलब गॉस होता है, बताए थे सीजीएस यूनिट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस होता है, और एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला होता है। तो टी से लिखते हैं टेस्ला एसआई सिस्टम में, और जी से लिखते हैं गॉस सीजीएस सिस्टम में होता है, और यहाँ गॉस में दिया हुआ है सीजीएस सिस्टम में। तो आपसे पूछ रहा है कि आप कैलकुलेट करो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस। तो अब बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को। तो सिंस याद करो कि फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए BH इज इक्वल टू होता है BE और cos डेल्टा। तो अगर आपको BE ही फाइंड करना है तो इसको लाके डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा BH और डिवाइडेड बाई cos डेल्टा हो जाएगा। रखते हैं वैल्यू को 0.3 और डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री अगर है यहाँ तो इसके लिए लिखते हैं 0.3 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/2 को ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6 और cos ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो बस इसी पैटर्न पे आपसे पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए कह सकता है, या फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कह सकता है, या डेल्टा के वैल्यू को ही निकालने के लिए कह सकता है। बस यही एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल सेक्शन से आता है, बाकी सब कुछ जो है आपको इसमें थ्योरेटिकल टाइप का ही, कॉन्सेप्चुअल टाइप का ही है, वो हम आपको ऑलरेडी समझाए हुए हैं। चलो कहीं पर भी किसी तरह का क्वेश्चन माइंड में आए तो पूछ लीजिए, वरना अगले क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए तो फिर इसको हम लोग यही रोकते। कोई कुछ बोल रहे हैं? कोई जो बोल रहे हैं बोलिए। क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है सर? डीप मिडल बताया था ना अभी। हाँ उसको मतलब शेप बता दीजिए, मतलब किस तरह से वो काम करता है। अरे भाई वो वर्टिकल सर्किल होता है सामने से, तो जहां पर ले जाओगे उसका, जैसे देखो ये वाला निडल है और ये सामने से दिखता है ऐसे, तो यही वाला इधर से इधर घूम करके और आपको बता देगा कि कितना एंगल है वो। तो उसमें पूरा बना हुआ होता है और उसमें एक निडल जो है रोटेट करने वाला होता है। तो कंपास निडल में क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल ऐसे सरफेस पे रोटेट करता है ऐसे, और डीप निडल जो होता है वो ऐसे रोटेट करता है वर्टिकल सर्किल में। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो समझ में आता होगा। अरे समझ गया। चलिए फिर आज यही रुकते हैं, अगले क्लास से हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट।